साथियों, अभी हम छापर चौराहे से आए और बहुत ज्यादा कार्यकर्ता वहाँ है। आज एक विधानसभा में भी आपने सुना होगा कि कुछ युवा साथी पानी की टंकी पे चढ़ गए, बड़ी मुश्किल से उनको मैनेज किया। हमें ऐसा रात को संकेत था कि शायद सीएमओ में कोई निर्णय नाइट में होगा, लेकिन गहलोत साहब अभी शायद पूर्णतः वो विवेक में नहीं है और अभी वो डिसीजन लेने में आनाकानी कर रहे हैं, तो हमें अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। और आगामी जो रणनीति है उसका खुलासा अभी कुछ देर बाद ही हम लोग करेंगे। सरकार को झुका के रहेंगे, ऐसी कार्यकर्ताओं ने रणनीति बनाई है और बहुत जल्द वो आपके सामने भी आएगी। जो भी यहाँ कार्यकर्ता है उनसे मेरा निवेदन है कि अभी भोजन आ जाएगा, उसके बाद हम सब मिलकर के और आगामी जो रणनीति है उन पर मंथन करेंगे। मार्केट भी 5 दिनों से बंद है, उस पर भी विचार होगा। अगली हमारी जो रणनीति होगी वो ऐसी रणनीति होगी कि सरकार को 7 बार सोचना पड़ेगा। इस बाइक वाले सरकार ये सोच रही है कि सुजानगढ़ के लोग शांति से बैठ जाएंगे, शायद 2-4 दिन आंदोलन करके और हट जाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो लोग 5 दिन से मार्केट बंद करके बैठे हैं और 5 दिन से जो लोग सड़कों पे बैठे हैं और गांव में जो लोग धरने पे बैठे हैं, यदि वो गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर गए तो सरकार उस क्रांतिकारी आंदोलन की भी समीक्षा कर ले। हम फिर संगठनों की तरफ से मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो पुनर्विचार कर ले, रात भर उनके पास है। अगला जो निर्णय होगा वो क्रांतिकारी निर्णय होगा, सुजानगढ़ के हित में होगा और सुजानगढ़ को जिला कैसे मिले उस पर अगली रणनीति होगी। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार वो मंच की तरफ आ जाए, आगे की जो रणनीति है उसके बारे में बहुत जल्द हमारे जो साथी है इस आंदोलन के वो बताएंगे। साथियों, सुजानगढ़ पहले स्थान पे था और इसको जिले से मुख्यमंत्री ने क्यों रोका, बात उसकी है। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पीछे चुनाव में आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि ये चुनाव अशोक गहलोत लड़ रहा है। आज वो गहलोत साहब कहाँ हैं, इसका बांध सुजानगढ़ वासियों को करवाना है, इसलिए आप लोग सचेत रहे और जैसे ही आह्वान करें सभी जो साथी हैं वो अपने वॉलंटियरों के साथ यहाँ आए ताकि हम आगे की लड़ाई लड़ सके। धन्यवाद। हेलो जितेंद्र जी भार्गव भरत जी, अरे अभी